सच जरूरी है। यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उनका भविष्य NCP के साथ, अजीत पवार के शिंदे फडणवीस से मुलाकात करने पर घबराई शिवसेना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के उपरांत चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत के हालिया बयान में महाराष्ट्र में विपक्ष की चिंताओं को उजागर भी कर डाला है। उन्होंने यह भी बोला है कि अजीत पवार का भविष्य राकापा में भी उज्जवल है और शायद वे BJP में शामिल ना हो पाए। राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजीत पवार राकापा के वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कुछ करने वाले हैं और BJP चले जाएंगे। उन्होंने बोला है अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य राकापा के साथ ही बेहतर है, इसलिए चिंता की कोई वार्ता नहीं है। वे उनके साथ नहीं शामिल होंगे और भाजपा के गुलाम नहीं बनेंगे। हमें NCP नेता अजीत पवार पर पूरा भरोसा है, जल्द करेंगे अजीत पवार से बातचीत। खबरों का कहना है कि सामना के संपादक ने यह भी बोला है कि वे अजीत पवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले के साथ आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं। उन्होंने बोला है कि नागपुर में 16 मई हमारी रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, राउत ने शरद पवार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने इस बारे में बोला है कि राकापा सुप्रीमो अभिभावक है और हम उनके साथ है। कल ही मैं और उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी कर दी है। हमारा जुड़ाव फेविकॉल की तरह है और कोई इसे अलग नहीं कर सकता, इस बारे में कोई भ्रम ही नहीं है। उद्धव ने हाल ही में की थी शरद पवार से मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। दक्षिण मुंबई के सिल्वर ओक में शरद पवार ने आवास पर हुई मुलाकात के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब हाल ही में शरद पवार ने अडानी समूह के विरुद्ध लगे आरोपों की कार्रवाई संयुक्त संसदीय समिति JPC से कराने की जगह उच्चतम न्यायालय की एक समिति द्वारा जांच कराए जाने का समर्थन किया था। पवार ने बोला है अगर JPC का गठन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा की संख्या को देखते हुए सत्ता पक्ष के पैनल में 14 से 15 सदस्य होंगे, जबकि विपक्ष के पास 5 से 6 सांसद होने वाले हैं। राजीनामा अडीच वर्षाचा त्यांचा कारभार बघितल्यानंतर नेमकं फडतूस कोण आहे हे अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती आहे। खरं म्हणजे माझा सवाल असा आहे, दोन दोन मंत्री जेलमध्ये गेल्यानंतर त्यांचा राजीनामा घेण्याची हिम्मत देखील जे मुख्यमंत्री दाखवत नाही आणि जे मुख्यमंत्री त्या मंत्र्यांच्या भोवती लाळ घोटत असतात त्यांना बोलण्याचा अधिकार काय आहे? जे वाझेच्या मागे लाळ घोटतात त्यांना बोलण्याचा अधिकार काय आहे? ज्यांच्या काळामध्ये पोलीस एक्स्टॉर्शन करतात त्यांना बोलण्याचा अधिकार काय आहे? अडीच वर्षामध्ये घरी बसून काम करणाऱ्या व्यक्तींनी आम्हाला राजकारण शिकवू नये, आमचं तोंड उघडलं तर त्यांना पळतभुई थोडी होईल। आम्ही संयमाने वागणारे लोक आहोत, पण याचा अर्थ आम्हाला बोलता येत नाही असं नाही आहे। ज्या दिवशी बोलणं सुरू करील त्या दिवशी पळताभुई थोडी होईल, त्यामुळे संयमाने बोला। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की ही जी काही त्यांचा जो थयाट आहे आणि हे जे काही त्यांचं फ्रस्ट्रेशन आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धोनी की टीम को बड़ा झटका, 2 हफ्ते के लिए IPL से बाहर हुआ ये मशहूर खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स CSK की दूसरी पराजय हुई है। राजस्थान रॉयल्स RR चेन्नई की टीम को 3 रनों से पराजित कर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए मैच में हार के पश्चात चेन्नई टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम के स्टार तेज गेंदबाज सिंजाडा मगाला चोटिल हो गए हैं। चेन्नई के कुछ स्टीफन
फ्लेमिंग ने कहा मगाला की उंगली चोटिल हुई है, वह 2 सप्ताह बाहर रह सकते हैं। मैच में अश्विन का कैच लेते वक्त मगाला चोटिल हुए, इस वजह से वह 2 ओवर करके ही मैदान से बाहर चले गए थे। चेन्नई टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर 2 सप्ताह के लिए बाहर है, जबकि बेन स्टोक्स की चोट पर नजर बनाए हुए है। चेन्नई टीम के 3 खिलाड़ी घायल हो गए हैं, उसे अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 17 अप्रैल को खेलना है। वही इस मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल एवं चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की मैदान पर चर्चा का वीडियो वायरल हुआ था। इन दोनों के बातचीत का वीडियो राजस्थान रॉयल्स के ट्विटर पेज पर लीक हुआ। इस चर्चा में महेंद्र सिंह धोनी का भी जिक्र हुआ। वीडियो का आरंभ जडेजा के ये बोलने से होता है कि भाई तुम्हारा डांस क्लास था। दरअसल हाल ही में चहल और जो रूट के साथ डांस का वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने साझा किया था तथा जडेजा इसी डांस की प्रशंसा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आगे कहा भी कि वो रूट के साथ वाला दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नदी के भीतर ही गुजरी मेट्रो, सफल हुआ बड़ा परीक्षण। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को नदी के तल में तकरीबन 13 मीटर नीचे एक मेट्रो ट्रेन दौड़ी। अंडरवाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। इसके लिए कोलकाता में हुगली नदी के नीचे सुरंग बना दी। 7 माह के ट्रायल पीरियड के उपरांत इसे नियमित रूप से चलाया जाने जरूरी है। मेट्रो के केस में कोलकाता के नाम एक और ऐतिहासिक क्षण दर्ज हो चुका है। देश में पहली मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, फिर 2002 में दिल्ली मेट्रो चालू हो चुकी थी। बुधवार को कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन KMRC ने ठीक 11:30 बजे महाकरण के लिए एक मेट्रो रैक नंबर MR612 छोड़ा। इसलिए सुबह 11:40 यह मेट्रो रेक महाकरण से हावड़ा मैदान की ओर चल पड़ी और दोपहर ठीक 12 बजे हावड़ा मैदान पहुंच गई। हुगली नदी के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया गया था। कोलकाता में अंडरवाटर प्रोजेक्ट का नाम ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के अंतर्गत इंडिया को जल्द ही अपनी पहली अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन भी मिलने वाली है। इसकी शुरुआत कोलकाता से होने वाली है, जिसके लिए कोलकाता में हुगली नदी के नीचे सुरंग का निर्माण किया गया है। सॉल्ट लेक, हावड़ा के मैदान और सेक्टर वी को जोड़ने वाले ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में हुगली के नीचे 2 सुरंगें हैं। ट्रायल रन के बाद के भाग के रूप में 2 से 6 कोच वाली एक मेट्रो ट्रेन एस्प्लेंड और हावड़ा मैदान के मध्य 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार अंडरग्राउंड ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होने वाला है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 15 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम मेट्रो लाइन में करुणामयी सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल में मेट्रो स्टेशन भी होने वाले हैं। यह परियोजना कोलकाता मेट्रो के उत्तर दक्षिण लाइन पर एक्सप्लेनेड स्टेशन को हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ने वाली है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।